आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। बड़ी जल्दी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ी, उसका कारण जो है वो आप सब जानते हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्स जो है हमारे जम्मू और कश्मीर की जनता पे इम्पोज की जा रही है, बिना किसी को कंसल्ट किए, बिना किसी की राय लेकर के। मुझे लगता है कि जिस तरह का एक एटीट्यूड जो है वो बन चुका है कि पब्लिक पर हम लोग किस तरह से हर चीज़ को इम्पोज कर सकते हैं, चैम्बर ने हमेशा इन चीज़ों को अपोज किया है और आज भी हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को अपोज करते हैं। काफ़ी दिन से हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जागे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात करे, क्योंकि ये जो प्रेरोगेटिव है प्रॉपर्टी टैक्स, ये कॉरपोरेशन का है, ये म्यूनिसिपल कमेटीज का है, ये लोकल बॉडीज का है। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन सभी को बाईपास करके SRO निकाल करके और 1 अप्रैल से जम्मू और कश्मीर की जनता पे ये टैक्स जो है इम्पोज करने की बात कही है, हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं। जम्मू की जनता हमें पूछ रही थी कि हम लोग जो हैं प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर क्यों नहीं बोल पा रहे, लेकिन मेरी सोच जो है हमेशा यही रही है कि कोई भी बात हो वो टेबल पे होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई हमारी बातचीत हो, गवर्नमेंट जो है जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करे और इसका कोई ना कोई सलूशन जो है वो ढूंढा जाए। जिस तरह से बताया जा रहा है भाई हमें ग्रांट नहीं मिल रही, अगर आपका फोकस जो है, आपका एम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स है, उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो हैं वो की जा सकती हैं। मैं सुन रहा हूं कि जिस तरह से बार बार एक रेपिटेशन हो रही है कि बड़ा मीगर टैक्स है और उसमें बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं बताई जा रही हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज की गवर्नमेंटें जो चलती हैं वो बिजनेसमैन के टैक्स के साथ चलती हैं। जो GST कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है वो बिजनेसमैन के थ्रू मिलता है, और इनकम टैक्स जो पे करने वाले हैं वो बिजनेसमैन हैं। जो कमर्शियल बिजली के किराए देते हैं वो बिजनेसमैन हैं, जो कमर्शियल पानी के जो बिल देते हैं वो बिजनेसमैन हैं। यहाँ पर 8 जो डिपार्टमेंट हैं वो बिजनेसमैन की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि हर साल उनको नई फीस जो है वो बिजनेसमैन देता है। हमें ये बताने की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि बिजनेसमैन जो है वो मीगर टैक्स जो है वो देने से पीछे हट रहा है, लेकिन अगर फैक्चुअल पोजीशन देखी जाए पिछले 15 दिन से कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि कमर्शियल दायरे जो हैं उस पर किस तरह का टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। अगर इनकी सोच ये है कि यहाँ पर टैक्स जो है किसी को 200 पड़ेगा, किसी को 500 पड़ेगा, किसी को 1500 पड़ेगा, हमारे लोग देने के लिए तैयार खड़े हैं। आप क्यों जो फैक्चुअल पोजीशन है वो लोगों से छुपा रहे हैं? हर बाजार जो है इस बात को लेकर के परेशान है, और हमने हमेशा कोशिश की है कि जो बाजार की हमारी एसोसिएशंस की जो हमारी डिमांड होती है उसी में हम लोग आगे आते हैं, और आज की जो डिमांड है वो भी बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है, हर बाजार की एसोसिएशन की डिमांड है कि हमारा जो है एक बार सिंबॉलिक बंद जो है वो रहना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर उसके बाद भी नहीं जागेगी तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा, आने वाले दिनों में ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन सिंबॉलिक बंद के लिए मैंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि सैटरडे को सभी जो है बाजार हमारे बंद रहेंगे। और सीधी बात, सपोर्ट की बात जो आती है, मेरे साथ यहाँ पर युवा राजपूत सभा के प्रेसिडेंट जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, बाजार एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स, अभी की हमने सभी को न्योता नहीं दिया, लेकिन ये है बड़ा क्लियर है
कि हर तरफ जो है इस बंद की सपोर्ट है, और बंद जो है वो इसलिए नहीं है कि हम लोग हैक्चुअल हैं बंद करने के, बंद है उन पॉलिसीज के खिलाफ। ये प्रेरोगेटिव जो है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, ये जो टैक्स जो है बेसिकली होना चाहिए था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इस टैक्स को इम्पोज करने की बात करती। लोकल बॉडीज जो हैं, कॉरपोरेशन, वहां पर मेयर साहब ने बड़े जोर के साथ कहा था कि जम्मू के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, तो आज कॉरपोरेशन चुप है। उसका कारण जो है आप लोग जो हैं उनसे लीजिए कि अभी क्यों चुप हैं। मैं हर तरह की डिबेट करने के लिए तैयार हूं, किसी भी वक्त मेरे साथ टेबल पर बैठ करके डिबेट करिए कि कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको आज तक आपने दुरुस्त कर दिया है। आज डिपार्टमेंट में किस तरह से नोटिस निकल रहे हैं, हमारी पब्लिक परेशान है। कभी छन्नी वाले प्लाट जो है उनकी नोटिस निकलते हैं, कभी इरिगेशन वाले निकालते हैं, कभी जेडीए वाले निकालते हैं, तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट छोड़िए मुझे बताइए, कभी स्टेट वाले निकालते हैं। तो इस तरह के नोटिस जो है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को डिस्टर्ब करने के लिए निकाले जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, फ्रूट देखिए, लीज डीड जो है, जो पिछले काफी देर से हम लोग 2 साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि लीज डीड जो है उनकी बढ़ाई जाए, जिनकी लीज डीड खत्म हो गई है, मतलब वहां पर भी लोगों की इनकी नजर नहीं जा रही कि भाई हम किस तरह से इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। खड के बारे में बताइए कि आज तक 2 साल से ये खड डिफाइन नहीं कर पा रहे कि कहाँ खड है, कहाँ वाटर फ्लो है और कहाँ जो है ड्राई एरिया है। ये जो आज हमारी इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर किस वजह से नहीं आ रही, ये सर्कल ट्रेड की वजह से नहीं आ रही, इसके ऊपर किसी को चिंता नहीं है। और नए टैक्स जो है उसे इम्पोज करने की बात जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। मैं समझता हूँ इन चीजों से गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारा कोई एडवाइजर जो है वो जम्मू का नहीं है, जिसके पास हम लोग जो है अपनी बात रख सके। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक एलजी गवर्नमेंट जो है आज की डेट में टैक्स इम्पोज करने की बात कर रही है, जो प्रेरोगेटिव जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं करने वाली, पहले उनको करिए और उसके बाद इस टैक्स के बारे में विचार करिए। और ये अगर टैक्स यहाँ पर नहीं रुकेगा, हमारा स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। ये आज स्ट्रगल जो है 24 घंटे का बंद जो है ये स्ट्रगल का एक पार्ट है, ये एक सिंबॉलिक बंद है, लेकिन आने वाले समय में भी हम लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स के अगेंस्ट जो है हमारी जद्दोजहद जो है वो कंटिन्यू रहेगी।